चलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। जी स्क्रीन दिखा यस सर। पिछली क्लास में कहाँ तक थे हम लोग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से रेडियस निकालने कुछ क्वेश्चन। अच्छा, हाँ, अच्छा ठीक सही बात। तो आप लोग का कोई डाउट लो लेवल इसकी पर डीपीपी नहीं आई किसकी? सर्कल चैप्टर की। अच्छा, चैप्टर की डीपीपी दी जाती है क्या आप लोग को? यस सर, इकाइट्स ऐप पर अभी अपलोड नहीं। मैं बात करता हूँ तो ऐसे आप लोग के पास ये तो होगा ही, बुकलेट। यस सर, बुकलेट से ये करो ना, बुकलेट भी है। यस तो बुकलेट से करो। सर, एकदम उसे कीजिए, कहाँ टाइप कौन, देखो घर से करने में बड़ा दिक्कत होता है ये कि टाइप करो, ये करो, वो करो। ऐसे में सर से पूछूंगा कि कैसे करते हैं, कुछ कुछ है इस तरह का, इसको सेलेक्ट करके दिया जा सकता है तो दे दूंगा। ठीक है, इस चैप्टर का बुकलेट नहीं अपलोड हुआ, डेडलाइन तक था। ऐसे सर्कल का अपलोड दें। सर नहीं आया। ठीक बोल दूंगा सर को, बेटा आज ही कर देंगे, करवा देंगे। ठीक है बच्चे, ओके सर। चलिए जब तक और भी बच्चे ज्वाइन करते हैं एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर शुरू करें। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा will the line y equals to 2x plus lambda be a tangent to the circle x square plus y square equals to 5? फाइव गुड, प्लस पॉइंट फाइव। डन सर। देखो इसमें आपको एक कल बताया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था कि नहीं, इफ ए लाइन टचेज द सर्कल देन सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एन स्क्वायर।
ऐसा कुछ बताया था, तो बताइए वाई कुछ तो एम एक्स प्लस सी है, यहाँ से क्लियर है एम इक्वल टू टू है, सी इक्वल टू लैम्डा है और आर इक्वल टू रूट फाइव है, या आर स्क्वायर इक्वल टू फाइव है कि नहीं, तो पुट कर दो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू वन प्लस टू स्क्वायर, फाइव इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू 25, hence lambda equals to plus 25। इसको दूसरे तरीके से भी आप लोग कर सकते थे, जैसे लेमडा की वैल्यू ये आई ना, हेलो, दूसरा तरीका आपका ये भी था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, है कि नहीं, इससे भी कर सकते थे। अभी सर्कल अगर दिया गया है तो सेंटर इसका 0 हो जाएगा, आर आपका 5 रूट 5 है कि नहीं, और इक्वेशन है वाई इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा, इससे भी जा सकते हो रूट फाइव इक्वल टू मॉड ऑफ वाई और एक्स, तो आपका 0 ही हो जाएगा, बचेगा सिर्फ लैम्डा बाय रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट फाइव इंटू रूट फाइव इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, नहीं आएगा बच्चे। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये तो जनरल रूल देखो, अब ये एक स्पेशल केस था कि भैया होना चाहिए सर्कल हमेशा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, तब ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन ये आप किसी के साथ लगा सकते हो। समझ रहे हो, आज जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसे पहला है पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि कोई सर्कल है बच्चों और उसको क्या कर रहा है एक लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट एक्स वन वाई वन पर क्या कर रहा है टच कर रहा है, तो फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, मतलब इस लाइन का इक्वेशन आपको बताना है। अब तक आप रेडियस या सर्कल का इक्वेशन देख रहे थे, टेंजेंट लाइन का मतलब हुआ कि आप एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं वो भी पॉइंट फॉर्म, तो मान लो कुछ ना कुछ तो सर्कल का इक्वेशन होगा ही, मान लो ये थोड़ा देर के लिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर, अब ये सर्कल भी इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही, मतलब क्या हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर। अब देखिए
टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए होगा, ठीक है। स्लोप निकालेंगे कैसे हम लोग? तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये आपका वाई एक्स स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया है, सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं एम इक्वल टू बुलेट आप याद करो, एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन वाई ओवर डिफरेंस इन एक्स, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, याद है। यस यस यहाँ भी हम क्या करेंगे, सर्कल का स्लोप जो होगा, कर्व का स्लोप मतलब क्या, सर्कल का ही तो स्लोप आप देख रहे हो, आप इसको क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यस ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और स्लोप और एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू एक्स वाई टू वाई मीन्स माइनस एक्स वाई वाई। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो पॉइंट आपको पुट करना पड़ता है, क्योंकि स्लोप या टेंजेंट जो है ये आपका इसी पॉइंट से पास हो रहा है। एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वन बाय वाई वन। बच्चे इसको समझे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के आप तब भी आपको क्या होगा कि पॉइंट आपको पुट करना ही पड़ेगा, ये अब आपका स्लोप हो गया। अब पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया है, थैंक्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म लोग जानते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ तो वाई वन वाई एक्स वन वही है तो वही डाल दो, एम के जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वन बाई वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा। इसको और आप लिख सकते हो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और देखो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, मतलब हम इसकी वैल्यू फिर से क्या लिख सकते हैं, आर। एंड फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, टेंजेंट इज एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अच्छी बात समझ आई आप लोग को? यस यस सर। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या यस सर चलो अब देखो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लास्ट स्लाइड को दिखा दीजिए, क्या लास्ट स्लाइड, लास्ट लाइन पूरा देखो।
यस सर। आपने क्या देखा कि फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म फॉर्म क्या है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है। अगर मान लो जनरल इक्वेशन होता और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो था तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज अब कितना बार इसको डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट पुट करते रहोगे उसके लिए इसमें एक ट्रिक बताया गया है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट ट्रिक ये है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए एक्स एक्स वन से वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए वाई वाई वन से टू एक्स को रिप्लेस कर दीजिए एक्स प्लस एक्स वन से टू वाई को रिप्लेस कर दीजिए वाई प्लस वाई वन से टू एक्स वाई अगर आता है जैसे ये मैं सिर्फ सर्कल के लिए ही नहीं लिख रहा हूँ ये पूरा पूरा कॉनिक सेक्शन के लिए होगा ठीक है बच्चे पूरा कॉनिक सेक्शन में पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सब में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म आप इससे निकाल सकते हो। बस करना कुछ नहीं है कि एक एक्स को एक्स वन कर देना है और कुछ नहीं एक वाई को वाई वन कर देना है अब टू एक्स वाई होगा तो इसको आप एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन कर देना ठीक है। और तो कोई टर्म आएगा ही नहीं टू एच एक्स वाई आएगा इसको आप ऐसे लिख सकते एच तो बाहर से रहेगा ना एच तो बाहर से रहेगा मतलब टू एक्स वाई के बदले आप लिख सकते हो एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन और सी आपका सी ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है बच्चे। तो बताओ यहाँ पर आप वही किए हो एक्स स्क्वायर के बदले एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर के बदले वाई वाई वन पुट कर दिए बात सी आपका एडजस्ट ठीक है। ऐसे यहाँ भी आप लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो ठीक है बच्चे। एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रॉब्लम समझने में नो सर। देखिए टू एक्स के बदले हम एक्स प्लस एक्स वन रखते हैं टू वाई के बदले वाई प्लस वाई वन रखते हैं जो है ये सब में आपका यही चीज यूज है तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद रखना आसान है ठीक है। और दूसरा पॉप है पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म में बस क्या है कि आपका जो एक्स वन वाई वन पॉइंट है वो हो जाता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा और कुछ नहीं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म जानते हैं एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्व टू आर स्क्वायर। अब एक्स वन केवल आर कॉस थीटा रख दो
as x into r cos theta plus y into r sine theta equals to r square. तो सब क्या हो जाएगा, r कॉमन लेके r एक r कैंसिल कर दो, मिल जाएगा आपको x cos theta plus y sin theta equals to. अब याद करो स्ट्रेट लाइन का जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था ये भी कुछ ऐसा ही था, ताकि x cos theta plus y sin theta equals to p था लिखा हुआ. ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे सर्कल का सेंटर ओरिजिन ही बन रहा है, ठीक है. अब अगर ये ओरिजिन बन रहा है, यही तो रेडियस होगा और यही तो टेंजेंट होगा, होगा कि नहीं? और यहाँ पर ये रेडियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? यस सर. इसीलिए अब ये लेंथ आपको यहाँ आर कह रहा है, वहां पी कहा गया था और ये थीटा था, ताकि नहीं याद कीजिए. तो अगर आर के हिसाब से चलेंगे तो इसका इक्वेशन यही आएगा ना, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन. इसीलिए देखिए सर्कल और रेडियस को, सॉरी स्ट्रेट लाइन में बड़ा अच्छा रिलेशन है. तीसरा बताया गया स्लोप फॉर्म, तीसरा है स्लोप फॉर्म, उसको भी आप निकाल सकते हो. अरे ओहो, आगे बढ़े बच्चों. यस सर. यस सर. चलिए तीसरा जो टाइप का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो क्या है स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, मान लो अगर ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन टेंजेंट होगा y इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस सी, ये होगा ना, m चूंकि यहाँ स्लोप है, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, क्या है कि अगर अगर इस सर्कल इस लाइन को टच करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. Since this line touches the given circle, so it will satisfy it. Hence, क्या लिख सकते हो? X square plus mx plus c whole square equals to r square. लिखेंगे? ये हो गया x square plus m square x square plus c square plus 2mcx minus r square equals to 0. ठीक है? तो क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लो, वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये देखो एक्स के टर्म में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और अगर ये क्वाड्रेटिक है और ये सिर्फ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि रूट्स इसमें इक्वल है, कि नहीं? Yes. Since the line touches the curve, and b square minus 4 is equals to 0. Okay, 2 and c whole square minus 4 into 1 plus n square into c square minus r square equals to 0. इसको देखो, 4 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन करके उस तरफ भेज दो, मिलेगा क्या एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, देखो नहीं माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो. ये और ये भी कैंसिल
सी हो गया आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या गया सी स्क्वायर, तो था सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर इंटू रूट ओवर वन प्लस एन स्क्वायर। टू प्लस माइनस आर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी थी कि सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, तो बताओ हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म। एक बार प्रूफ बता देता हूँ, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में कुछ प्रूफ नहीं बताऊँ मैं, डायरेक्टली कहूँगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा mx प्लस माइनस r इंटू वन प्लस एम स्क्वायर, है कि नहीं। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है कि ये तो आपका एम स्क्वायर हो गया और ये प्लस माइनस, यहाँ देखो x और y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। यहाँ से दो इक्वेशन मिला आपको, y इक्वल टू एक मिला mx प्लस आर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर और दूसरा मिला वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस आर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। तो देखो ये जो है टेंजेंट लाइन ये पैरेलल टेंजेंट हुए इसलिए कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है, जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है दोनों स्थिति में ये पैरेलल टेंजेंट को बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप फॉर्म में ऑलवेज जो मिलेगा मुझे वो आपका पैरेलल टेंजेंट ही मिलेगा। एक ये है तो दूसरा मतलब ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाए, समझ गए बच्चे, कुछ फॉर्म से पैरेलल टेंजेंट ये लिख दो, कुछ फॉर्म पैरेलल टेंजेंट। ठीक है बच्चे समझे इसको, यस सर, यस प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन निकाल कर लीजिए, देखिए बढ़िया गया देखिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the circle x square plus y square minus 2x equals to 0 at the point a into 1 plus cos alpha comma a sin alpha,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स ए वन प्लस कॉस अल्फा। देखो बच्चे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म बताए, क्या बताया था? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से, माइनस टू एक्स है तो माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो। तो बताओ एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो अगर है यहाँ पर क्या हो गया? x1 y1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा x into a into 1 plus cos alpha plus y into a sin alpha minus a into x plus a into 1 plus cos alpha plus 0। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स कॉस अल्फा ए वाई साइन अल्फा, फिर ए तो सब जगह था ए को बाहर ही कर दो ना, चलो आप कर लीजिए माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर वन प्लस कॉस अल्फा। देखो माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स को कैंसिल हो गया, सब जगह से ए भी बाहर निकाल दो तो क्या मिलेगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू ए, इसका भी एक चला गया और इसको राइट साइड भेज दो ए इंटू वन। बच्चे सर एक बार दोबारा बता दो, अभी टेंजेंट फॉर्म आपने सुना था ना? यस सर। ओके पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या बताया था कि x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस करो, y स्क्वायर को y y1 से रिप्लेस करो, 2x को x plus x1 से रिप्लेस करो, 2y को y plus y1 से रिप्लेस, ये सारा बताया मैं आपको। यहाँ भी मैं वही किया ना, x x1 y स्क्वायर के बोले y y1 लिखा, फिर माइनस ये बाहर कर दिया, 2x के बोले लिखना है मुझे, 2x के बोले क्या लिख दिया x plus x1। अब फिर क्या कुछ नहीं, x1 के बदले पुट कर दिया a into 1 plus cos alpha जो आपको गिवन है, उसी तरह से y1 के बदले a sin alpha पुट कर दिया, फिर x1 के बदले a into 1 plus cos alpha पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। में अगर मान लो कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर टू सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स ऑफ टू सर्कल्स, जो भी इक्वेशन है सर्कल्स एस वन इक्वल टू जीरो एंड एस टू इक्वल टू जीरो,
यस फुल नेस्ट टू आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को डिनोट कर रहा है बच्चे। ये क्या हो जाएगा इज एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। अब जैसे दो सर्कल है, अगर इस तरह से एक्सटर्नली टच करेगा तभी तो कॉमन टेंजेंट बनेगा है कि नहीं? Yes, sir. या फिर दो सर्कल अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा तब ये कॉमन कॉर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड का जो होगा वो यही है, चाहे कॉमन टेंजेंट हो या कॉमन कॉर्ड हो, दोनों का इक्वेशन आएगा एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। तीसरा ये केस हो सकता है, एक सर्कल छोटा है और दूसरा सर्कल बड़ा है, तब भी इस पॉइंट को जो कॉमन टेंजेंट आएगा वो भी आपका यही होगा एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। अच्छी बात तो नहीं आई? यस सर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ। बढ़िया है। एक चीज और यहाँ पर देख लियो आप लोग, यहाँ पर ये सेंटर है कि नहीं, सी वन सी टू, इसको अगर ज्वाइन कर दें तो ये आर वन प्लस आर टू के बराबर होगा कि नहीं? इस स्पेशल केस में क्या जाएगा कि C1 C2 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर ऐसा है तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप गौर करोगे तो यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा R1 प्लस R2, है कि नहीं? इस केस में आप क्या देख रहे हो, ये C1 है ये C2 है, R1 आपका यहाँ तक जा रहा है R2 आपका यहाँ तक जा रहा है, C1 C2 इज क्या हो जाएगा लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है बच्चे। और अगर ये इंटरनली एक दूसरे को टच करता है, दो सर्कल अगर इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, यहाँ पर सीधा डिफरेंस निकलता है, ये C1 है ये C2 है, C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2, समझ रहे हो? देखो ये आपने लिया एक सर्कल, और एक सर्कल आपने लिया इस तरीके से, इस सर्कल का तो सेंटर हो गया C1 और ये हो गया R1। वही अगर इस सर्कल के लिए देखें, इसका सेंटर मान लो यहाँ अगर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, ये इधर से आप जाओगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये C1 है ये C2 है, क्या देख रहे हैं C1 C2 जो इस पूरे में अगर इतने को माइनस कर दें तो वही तो C1 C2 होगा, होगा कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। यस। एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, R2 माइनस R1 इक्वल टू C1 C2, ये R1 माइनस R2 इक्वल टू C1। ये पहचान है कि अगर C1 C2 जो वैल्यू आ रही है डिफरेंस ऑफ रेडियस है तो वो इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहा है, और अगर सम ऑफ रेडियस के इक्वल है तो मतलब है कि एक्सटर्नली वो एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन अगर लेस देन है तो इसका मतलब है वो टच नहीं कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चे? यस सर। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़िया आ गया। yes. चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट
find the point where circles x square plus y square minus 4x plus 6y plus 8 equals to 0 and x square plus y square minus 10x minus 6y plus 14 equals to 0. हेलो बच्चों, यस सर, हाँ ठीक है मामा, सर गुड, सही है। चलो एक दो और को करने देता हूँ।
होगा बच्चों, देखो क्या है ये सर्कल के इक्वेशन आपको दिए गए। सबसे पहले तो आप कॉमन टेंजेंट ही निकाल लेते, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर आपका C1 C2 की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगी। इसका मतलब है कि ये दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। आइदर इस सर्कल से के सेंटर से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, या इस सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, किसी से निकालते तो निकल जाते है कि नहीं, क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट। इस लाइन का इक्वेशन मुझे मिल जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू जीरो, बताओ क्या हो जाएगा, X2 प्लस Y2 माइनस 4X प्लस 6Y माइनस सॉरी प्लस 8 माइनस X2 माइनस Y2 प्लस 10X प्लस 6Y माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो। होता ये और ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 10 माइनस 4 6x, 6 प्लस 6 12y, 8 माइनस 14 6, बताओ ये क्या हो गया, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन टेंजेंट तो मिल गया ना मुझे, अब इसका किसी एक का सेंटर निकाल लो। तो मान लो इसका सेंटर जो हो रहा है, इसका सेंटर हो रहा है 5, 3, ये 5, क्या है 3, यहाँ से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो निकालोगे वही तो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बच्चे समझ रहे हो, हेलो यस सर, या फिर दोनों सेंटर का नहीं मिड पॉइंट तो नहीं। हाँ एक और उपाय है, इसको सेक्शन फॉर्मूला से किया जा सकता है, जानते हो कैसे, ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को, मतलब ये दोनों का जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट के थ्रू R1:R2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो। यस सर, कॉमन पॉइंट लिख देता हूँ, द कॉमन पॉइंट to formed by touching two circles externally divides distance between the center, divides the line joining the center, divides the line joining the center in the ratio R1:R2 internally. तो बात याद रहेगी। Yes, sir. ये तो चलो अभी बताया ना, लेकिन जो जहां तक मैं बता चुका था उसके हिसाब से बस आपको तो परपेंडिकुलर से निकाल देते है कि नहीं। अब ये जब जान गए तो और इजी हो गया, दोनों का सेंटर और रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हो। आर टू आपका क्या है 5, 3 और सॉरी सेंटर आपका है C2 5, 3 और R2 हो जाएगा इसका क्या 34 माइनस 14 20 होगा जी 25 प्लस 9 34 माइनस C मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 14 रूट 20 हो जाएगा R2 की वैल्यू।
और इसी तरह R1 निकाल लो तो सेंटर आपका R1 का C1 जो होगा, C1 आपको क्या मिल गया, 2, -3 है कि नहीं, और R1 क्या मिला, रूट फाइव, R1 हो जाएगा, चलिए रूट फाइव। तो रेशियो तो क्लियर है, रूट 20 को आप लिख सकते हो 2√5, 2√5:√5 मतलब 2:1 का रेशियो हो गया या 1:2 का रेशियो हो गया, हुआ कि नहीं बच्चों। अब रेशियो ये हो गया 1:2, सेंटर इधर है C1 और इधर है C2, इसको डिवाइड कर रहा है ये 1:2 का रेशियो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है अल्फा बीटा, वो C1 आपका क्या है, C1 आपका है 2-3 और C2 आपका है 5,3। बताओ अल्फा कुछ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 बीटा हो जाएगा 1 × 3 + 2 × -3 / 1 + 2। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 5 + 4 = 9/3 क्या हो जाएगा, 3 हो गया। और बीटा क्या आ गया बच्चे, 3 - 6 - 3/3 - 1 आ रहा। बताओ 3, -1 हुआ कि नहीं, यस सर, यस सर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऊपर के मेथड से निकाल सकते हो, कुछ नहीं जानते हो तब तो भाई आप बहुत दिक्कत है। तब आप क्या करोगे मैं बताता हूँ, कॉमन टेंजेंट आप कंसीडर करोगे, फिर वही बात है x1 y1 के टर्म में दोनों को फिर इक्वेट करके सॉल्व करोगे। अब बोलिए कुछ बोल रहे थे सर, जैसे यहाँ पे तो एक ही एक्सटर्नल पॉइंट था मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट, लेकिन अगर असल में अगर अगर जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते सर्कल अब फिर हमसे वो पूछता कांटेक्ट पॉइंट, तो फिर तो हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देते, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकलेगा तब, सर कॉर्ड निकाल देंगे और उसे फिर पुट कर देंगे उसमें किसी भी सर्कल के इक्वेशन में। देखो 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 ये अगर है, ये कॉर्ड हो गया, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस हो गया, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाल सकते हैं कि नहीं, या पुट ऑफ परपेंडिकुलर आप तब भी निकाल सकते हो। मान लो ये पॉइंट का कॉन्टेक्ट चाहिए तो आप उसे ही निकाल सकते हो, समझ रहे हो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो भैया यूनिवर्सल है, वो अगर आपको याद है तो आप कोई क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो, किसी सर्कल से निकाल दो, लेकिन आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड की। ठीक है, आपसे कहेगा कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, सॉरी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉमन कॉर्ड, देन आप उस मेथड को यूज करोगे। ठीक है, हाँ कहेगा लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तब आप क्या करोगे, तब आप यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लोगे और ये रेडियस आपको दिया जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस, और इसका डबल कर दोगे तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएगा, नहीं आएगा बच्चे, नहीं समझे, हाँ जी सर समझा, किसी को डाउट, ठीक है सर, पता लगाया था कि सर ये टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पर, मैं बताया ना अभी, देखो पिछले पेज में तो बताया कि देखो ये केस है, देखो इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो सम ऑफ रेडियस के बराबर है तो वो एक्सटर्नली टच किया, अगर C1 C2 less than R1 plus R2 है
तो ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, okay, जो बीच का डिस्टेंस। थर्ड केस है कि इंटरनली अगर इसको इंटरसेक्ट करता है C1 C2 की वैल्यू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। एक और केस है कि अगर मान लो टच ही नहीं करता है, तब क्या होगा, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, होगा कि नहीं सर? C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा जब टच नहीं करेगा, तो सारा खेल आपको पता चल गया। समझ गए बच्चे? यस सर। चलिए तो अब इस पर एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को अपनी भाषा में लिख लीजिएगा जो मैं यहाँ बताने की कोशिश किया, ठीक है, कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकालेंगे और फिर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, या तो किस तरीके से ही थी ना, ठीक है। लिखने लगे क्या जी? बोलता ही नहीं है, लिखने लगे क्या तुम लोग? नो सर। चलो क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स the circle x square plus y square equals to 9, which are parallel to the line, parallel to the line x plus 4y minus 5 equals to 0. Okay. बच्चों देखो, अगर आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9,
ठीक है सर, पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y - 5 = 0, टेंजेंट जो है एक अदर लाइन 3x + 4y - 5 = 0 के क्या है, पैरेलल। अगर इसके पैरेलल है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 4y + λ = 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन इज, आप जानते हो ax + by + k = 0 ऐसा होता है कि नहीं बच्चे? यस सर। अब देखो जब ये होता है तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये देखो इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसलिए सेंटर तो इसका 0 0 हो गया और रेडियस इसका 3 हो गया। Perpendicular distance from this point on this line is equal to the length of its radius. So 3 equals to क्या हो जाएगा? 0 plus 0 plus lambda by root over 3 square plus 4 square. यही आएगा। 3 equals to क्या गया? Lambda by 5. तो lambda equals to क्या हो जाएगा? +-15। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, ये इधर भी होगा इधर भी होगा तो भी तो इसके पैरेलल ही होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आ गया आगे 3x + 4y + -15 आपको क्या बताया गया कि y = mx + c + √r (1+m²) ये बताया गया है ना? Yes, sir. मुझे तो लेमडा से भी नहीं मतलब है, आर एम सारा चीज तो दिया ही हुआ है। अब यहाँ देखो एम की वैल्यू जो इसकी होगी वही तो इसकी भी होगी, एम इक्वल टू हो गया -3/4 हुआ कि नहीं, आर 3 है, पुट कर दो y = mx, इसके हो गया -3/4 × x + r(3) (1+9/16)² क्या हो जाएगा 9/16। बताओ क्या आ गया, -3x/4 + -16 + 9 = 5/16 क्या आ गया 3 × 5/4 समझ रहे हो, 4 कॉमन लेके इधर भेज दो तो ये 4y हो गया, ये +3x हो गया, इक्वल टू क्या हो गया +-15। ये क्यों नहीं हुआ समझे? यस, जैसे मनो वैसे करो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म, नॉर्मल क्या होता है जानते हो, कि कोई सर्कल है इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां से इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो जाता है। इसी को इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर कह लो या ऑर्थोगोनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर दो, ठीक है, या फिर नॉर्मल इक्वेशन कर दो, तो ये लाइन नॉर्मल लाइन कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन या नॉर्मल लाइन। तो आप ये देख रहे हो कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा वो निश्चित रूप से सर्कल के सेंटर से ही पास होगा, है कि नहीं? परपेंडिकुलर लाइन
on the tangent. On the tangent. Always passes through. Always passes through its center. Okay. For a circle. तो इसलिए ये निकालना बड़ा आसान हो जाता है एक नॉर्मल लाइन का इक्वेशन. ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो आपको दिया ही रहेगा x1 y1 ये रहेगा कि नहीं, और ये सेंटर आपको दिया ही रहेगा. तो ये दो टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट नहीं निकाल दे समझ रहे बच्चे? यस सर. हाँ तो उसी तरह इसमें भी वही तीन फॉर्म है. जैसे पहला है आपका पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म. मान लो अगर सर्कल जो है आपका क्या है, स्टैंडर्ड सर्कल है. ये जो हो जाएगा ये जीरो जीरो होगा. ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है और ये आपका आर है जो भी है. तो बताओ ये टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन क्या हो जाएगा? Equation of normal. Passing through. Two points. 0, 0 and x one y one. कुछ तो क्या हो जाएगा, जानते हैं y माइनस वाई वन, वाई माइनस जीरो बाय वाई वन माइनस जीरो, कुछ तो x माइनस जीरो बाय x वन माइनस जीरो. पता इक्वेशन क्या आ गया, y बाय वाई वन इक्वल टू x. ठीक है बच्चे, ये मान लो जनरल फॉर्म होगा. लिख लिए इसको? Yes, in general form. In general form of circle. General form of circle. क्या देख रहे हैं? Equation is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? अब अगर इस फॉर्म में है नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल लाइन जो होगा वो सेंटर से ही पास करेगा. और सेंटर अगर मान लो ओ है तो मतलब हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा सेंटर. और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है एक्स वन कॉमा वाई वन. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल general form. Which क्या हो जाएगा? Y minus y1 by minus f minus y1 equals to x minus x1 by minus g minus f. ऐसा होगा कि नहीं? अब क्या कीजिए, सिर्फ माइनस कॉमन ले लीजिए नीचे का, तो ये प्लस में हो जाएगा. हैंस फाइनल इक्वेशन हो गया x माइनस x1 बाय x1 प्लस g इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y1 प्लस. ठीक है,
जी समझ गया है? यस सर। ये था आपका कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म। फिर इसी तरह से इसमें भी आता है करण एक्सिक फॉर्म, ठीक है। और फिर तो क्या है कि आप निकाल सकते हो पॉइंट, तो आपको बस यही करना है ना, एक्स वन वाई वन के जगह पर सिर्फ आप क्या ले लोगे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले लोगे, तो जनरल फॉर्म बन जाएगा, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगा, है कि नहीं। और स्लोप फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, एक लो दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लिए। ना कि ये सब की जरूरत होती है तब जब आपको क्या हो कि एक ही वेरिएबल पता हो, एक ही पैरामीटर की वैल्यू पता हो, तो दोनों पॉइंट आसानी से मिल जाए पैरामेट्रिक फॉर्म। आपने अभी देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। आपने देखा क्या x by x1 equals to y by y1, ये था ना, ये x by x1 equals to y by y1। तब यहाँ x1 y1 पॉइंट क्या हो जाएगा, where here x1 equals to r cos theta and y1 equals to r sin theta, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाय आर कॉस थीटा इक्वल्स टू वाई बाय आर साइन। अच्छे होगा कि नहीं, अब तो आर तो कैंसिल ही हो गया, क्यों क्या गया वाई इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू एक्स, क्यों क्या गया वाई इक्वल्स टू एम एक्स, यही है स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। mx के फॉर्म में है तो स्लोप फॉर्म हो गया, और tan theta into x है तो मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। मेरी बात समझ में आई बच्चे? यस सर। यस। y equals to mx अगर लिखा है तो ये क्या हो गया, स्लोप फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें स्लोप की चिंता है। लेकिन ये सब क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। लेकिन यही अगर मान लो इस जनरल इक्वेशन के लिए आप देखोगे कि जी के बदले आपको क्या लिखना होगा, माइनस एच लिखना होगा, और एफ के बदले माइनस के लिखना होगा। और फिर जैसे यहाँ आपने पुट किया एक्स वन इक्वल टू आर कॉस थीटा, यहाँ इसमें पुट करेंगे एक्स माइनस एच इक्वल टू या एक्स वन इक्वल टू, इस केस में जो आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो रिप्लेस कर दोगे जी को किससे, माइनस एच से, और एफ को माइनस के से, ठीक है। और उसके बाद एक्स वन के बदले क्या लिखना है, यही तो सोचना है। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा, यहाँ पर क्या होता है एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू आर कॉस थीटा या एक्स माइनस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, यही था ना, आर कॉस थीटा। तो मतलब एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच वन प्लस आर कॉस थीटा, और वाई वन इक्वल टू क्या पुट करोगे, ए प्लस आर साइन थीटा, क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगा। और फिर टेन थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो लो फॉर्म भी मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं कब कर।
ये भी है बच्चे यस सर क्वेश्चन हम इस पर करते हैं क्वेश्चन है फाइंड द एरिया क्या है क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय द टेंजेंट formed by the tangent at the point AB in the circle x square plus y square plus 2y square and the coordinate and the coordinate axis.
एरिया एक तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर दिया है ये दिया है ना फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट ए बी ए बी को देख के आप कह सकते हो ये ए बी पॉइंट्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है डन सर चलिए ये देखिए एक ट्रायंगल बन गया आपके सामने ये पॉइंट ए बी है कि नहीं तो कड़ा है अब आर स्क्वायर है तो मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया ये तो रेडियस ही हो गया आर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर होगा कि नहीं बच्चे अब इस पर क्या है ए बी लाइक कर रहा है ए बी लाइक कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है मुझे यहाँ तक लग रहा है अब क्या करो ये एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो ये लेंथ मिल जाए ये लेंथ मिल जाए तो हाफ इंटू बीस इंटू हाइट ये तो आपका हो जाएगा एरिया होगा कि नहीं ये जो है ये देख रहे हो एक्स इंटरसेप्ट है फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इक्वल टू जीरो अगर वाई जीरो कर देते हैं तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आर बाय सेक थीटा आर सेक थीटा आ जाएगा ये पॉइंट जो हो गया ये क्या हो गया आर सिक्स थीटा कॉमा जीरो और इस तरह से ये निकालोगे वाई इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू आर बाय साइन थीटा मतलब जीरो कॉमा आर कॉस थीटा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू आर सिक थीटा इंटू आर कॉसिक थीटा क्या हो गया वन बाय आर स्क्वायर इंटू टू सिक थीटा मतलब टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया वन बाय आर स्क्वायर साइन टू थीटा थीटा तो आपका अपना कंसिडरेशन है बच्चे ये तो आपका अपना कंसिडरेशन है थीटा इस थीटा को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा ठीक है ये भी पॉइंट दे ही दिया था सीधा पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते या फिर ए इक्वल टू आर कॉस थीटा है ए इक्वल टू क्या है आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू है आर साइन थीटा है कि नहीं तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टू ए बी कर दो बाय आर स्क्वायर सॉरी
टू ए बी बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा कि नहीं, तो बताओ साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए बी बाय आर स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर दो, आर स्क्वायर बाय टू ए बी बाय आर स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, क्या मिल गया, आर टू दी पावर फोर बाय टू ए बी। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, अरे उससे इससे भी इजी तरीका था कि आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन क्या लिख देते, इसका इक्वेशन आप लिख देते एक्स एक्स वन एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इक्वल टू क्या होता, आर नहीं आर स्क्वायर होता, पॉइंट फॉर्म में यही होता ना बच्चे, अब एक्स वन वाई वन के प्लेस पर आपको क्या करना था, सिर्फ ए बी पुट कर देते हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर, अब आप यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते तो ये झंझट नहीं आती आपको, एक्स इंटरसेप्ट जो हो जाता क्या होता, एक्स इंटरसेप्ट ये होता, इसमें आप वाई जीरो करते आर स्क्वायर बाय ए, ठीक है वाई इंटरसेप्ट हो जाता आर स्क्वायर बाय बी होता, जब ये मिल गया एरिया नहीं निकल जाता, हाफ आर स्क्वायर आर टू दी पावर फोर बाय ए बी, ये ज्यादा इजी था। बोलिए हेलो, यस सर, इज इट कोई डाउट, अब एक क्वेश्चन कीजिए, तो पॉइंट अगर मान लो सर्कल पर था तब तो आसानी से आपने बता दिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन आउटसाइड पॉइंट से अगर मान लो टेंजेंट खींचा जाए तो फिर उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन के तहत आपको बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट tangent to the circle x square plus y square equals to 16 drawn from the point one four. ये 1 4 आउटसाइड वो भी आपको पता चल जाएगा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बताने,
हेलो बच्चे हुआ सर आने वाला है ये क्वेश्चन कर दिया पेयर ऑफ टेंजेंट्स बतानी है पेयर ऑफ टेंजेंट नहीं बताने है सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है सर क्या आया सर एक तो आ रहा है y equals to 4 और दूसरा एक और आ रही है 15y plus 8x minus 68 equals 0 देखो इसको सर्कल के मेथड से भी आप कर सकते हो और लाइन के मेथड से भी कर सकते हो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिख जाए तो आप स्ट्रेट लाइन के हेल्प से भी कर सकते हो ये याद रखो अब जैसे क्या है बोलो किस मेथड से आपको बताऊं मैं जैसे यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ये आपका सर्कल है यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ठीक है ये 1 4 सर्कल जो है वो आपका क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ये तो 0 0 हो गया और ये आपका 4 हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कुछ नहीं क्या है कि ये 1 4 दिया ही हुआ है दो तरीके से कर सकते हो एक तो स्लोप फॉर्म जब भी आउटसाइड पॉइंट दिया रहे तो स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो वो क्या होगा वाई इक्वल टू एम एक्स एक ही लाइन है तो प्लस लोगे या माइनस लोगे मान लो प्लस ले लिए आर इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर ऐसा होगा कि नहीं अगर इस मेथड से जाते हो तो ये क्या हो गया ये आपका हो गया क्या बोल सकते हो सर्कल का मेथड हो गया क्योंकि ये लाइन जो है 1 4 से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू m into 1 plus r into 1 plus m square r की वैल्यू भी 4 दी गई है तो यहाँ पर पुट कर दो 4 minus m equals to क्या हो जाएगा 4 into root over 1 plus m square दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा 4 minus m whole square equals to 16 into 1 plus m square ब्रेक कर दो 4 4 16 प्लस एम स्क्वायर माइनस 8m इक्वल टू 16 प्लस 16m स्क्वायर ये आएगा 16 से तो 16 कैंसिल हो गया 15m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया प्लस 8m इक्वल टू 0 तो m कॉमन आ जाएगा तो 15m plus 8 equals to 0 तो बताओ क्या क्या आया m equals to 0 आ गया और m equals to minus 8 by 5 आया m equals to 0 है बच्चे इसका क्या मतलब हुआ यहाँ आप इसमें आप m की वैल्यू 0 पुट कर दो ये इसमें पुट कर दो तो y equals to क्या हो जाएगा ये 0 ही हो गया प्लस 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस 0 स्क्वायर y इक्वल्स टू क्या गया 4 और दूसरा 8 बाई 5 पुट कर दो तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 5 एक्स प्लस 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस 64 बाई 25 इसको सॉल्व कर लो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा ये था आपका सर्कल का मेथड सर्कल के मेथड से आपने ऐसे करी है और अगर मान लो सर्कल नहीं पढ़े होते तो भी आप इसको कर देते ठीक है कैसे कर देते तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है पासिंग थ्रू 1 4 क्या होता सेकेंड मेथड में बता रहा हूँ ये शायद आपको और इजी लगे इससे इधर चलता हूँ ये बच्चे समझ में आ गए आप लोग को यस सर अरे 8 बाई 15 होता क्या क्या मैं लिख लेता हूँ
ठीक है, चलिए दूसरा मेथड है कि सर्कल जैसे दिया गया है x ये 0 0 इसका सेंटर है और रेडियस इसका 4 यूनिट है और कोई पॉइंट है वहां से इस पर टेंजेंट ड्रा हो गया, पॉइंट आपका दिया हुआ है 1 4, तो था इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन फोर इज वाई माइनस फोर इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस वन, ये तो कर ही सकते थे नहीं, स्लो पॉइंट फॉर्म यही होता है, तो क्या हो जाता है वाई माइनस फोर इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एम, ये इसको आप लिखते एम एक्स माइनस वाई माइनस एम प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। अब देखो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया और रेडियस आपको 4 दिया हुआ, रेडियस आपको 4 दिया हुआ, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो m इंटू 0 माइनस 0 माइनस m प्लस 4 बाय रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1, ये आता ना, तो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू क्या मिल जाता 4 माइनस एम बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, मतलब 4 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस एम, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो और वो इसमें पुट कर दो, देखो इक्वेशन आ जाएगा, अच्छे बात है। हेलो यस, कैन आई सी 0 के लिए आउट बच्चा सिर्फ 4 माइनस एम, तो 4 माइनस एम हो गया, ठीक है। हेलो यस सर, इसके बाद बताया गया इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड to circle s equals to 0, s कोई भी हो सकता है, लेकिन either standard equation होगा या फिर general equation होगा, जो होगा, मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो ये आपका सर्कल है और आउटसाइड पॉइंट से टेंजेंट से ड्रॉ करोगे, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट तो हमेशा इक्वल ही होता है कि नहीं, ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा, तो यहाँ से जो पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब कंबाइंड इक्वेशन आपको मिलेगा, सेपरेट इक्वेशन नहीं मिल सकता। अब कैसे कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन से ही आपने देख लिया, दो इक्वेशन निकला, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाता है, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इज एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वेयर एस क्या है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एस वन क्या है जब ये पॉइंट आप इसमें पुट कर दोगे तब, मतलब ये क्या हो जाएगा
x1 square plus y1 square minus r square. और t क्या है? ये equation of tangent है. x x1 plus y y1 minus r square. ठीक है? तो finally जो बना वो यही बना. As equation of pair of tangent. Is क्या हो जाएगा? x square plus y square minus r square into x1 square plus y1 square minus r square equals to x x1 plus y y1 minus r square whole square. तो फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसका कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाता है, लोग जल्दी इसको ट्राई नहीं करते. लेकिन कभी कभी आप ट्राई क्या करते हो, तो वही स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से आप पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हो. लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताया था उसी दिन, क्या होता है तो वो x1 चलिए क्वेश्चन एक लिख लो, तो आपको समझ में आया. लेकिन जाना आपने जनरल मेथड से ही, इस मेथड से जाने की जरूरत नहीं है. बड़े आगे बच्चे हो? यस सर. वेट करें, सर. चलिए लिखिए क्वेश्चन. फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, द पेयर ऑफ टेंजेंट्स from a point P point P नहीं लिखा है. इधर लिखा है द एंगल, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल, टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha equals to 0 is 2 alpha. Find the equation of the locus, the equation of the locus of the point P. जल्दी से बताइए.
डन सर. क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. प्लस 6y है. यस सर. ओके सर. माइनस 6y. सही है. चलो इसको एक दो और को करने देते हैं. अच्छा क्वेश्चन. देखो बच्चे क्या दिया है. द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल इज वन. सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप देखो, इसका सेंटर और रेडियस देख लो बस. यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0. इसको भी 13 बना दो तो माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा करना पड़ेगा. मतलब प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करो, माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा ऐड करो. क्या आ जाएगा? आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा. क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर. इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो. 13 लिखा है, यहाँ 4 है, 4 प्लस 9 में ही डिवाइड हो गया. मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ले लो प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 ले लो इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर. इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो x माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा होल स्क्वायर. लिखेंगे बताओ सेंटर क्या हो गया? ये हो गया माइनस 2 3. रेडियस क्या हो गया? ये हो गया 2 साइन. अब देखो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक आउटसाइड पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं तो इनके बीच का एंगल 2 अल्फा है. तो फिर इस पी पॉइंट का लोकस क्या होगा? मान लो इस पी पॉइंट का लोकस जो है एच कॉमा के है. ठीक है. रेडियस इसका देखो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है माइनस 2 3. और ये मान लो ए है, ये मान लो बी है. ओ ए इक्वल्स टू क्या दिया है? ये आपको दे दिया है 2 साइन अल्फा. अब यहाँ गौर करो, ये तो आपका क्या है?
ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है कि नहीं। अब यहाँ से अगर आप फ्रॉम ट्रायंगल पी ए ओ फ्रॉम यहीं पर लिखते फ्रॉम ट्रायंगल पी ए ओ साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा आप जानते हो क्या होता है, यही पी बाय एच मतलब टू साइन अल्फा, क्योंकि 90 है तो एच ये होगा। और देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा एच प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। और यहाँ गौर करो, यहाँ भी साइन अल्फा है, यहाँ भी साइन अल्फा है, ये तो उड़ जाएगा, क्या मिल गया है एच प्लस टू होल स्क्वायर प्लस के माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ठीक है बच्चे। तो देखो सारा इसमें जो थीटा था ये तो एलिमिनेट ही हो गया, जो अल्फा था वो एलिमिनेट हो गया, तो लोकस ऑफ पॉइंट क्या हो गया, अब एच के बदले एक्स और के बदले वाई पुट कर लो। हेंस इक्वेशन ऑफ लोकस इज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, ब्रेक करवा जाए। अच्छी बात सुन रहा है, हेलो। यस यस, चलिए तो आज आपका बहुत बड़ा पार्ट सर्कल का खत्म हो गया, और कल नेक्स्ट क्लास में एक घंटा और लगे तो सर्कल आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपको कॉनिक सेक्शन में लेके चलेंगे। ठीक है बच्चे। यस सर। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो जो भी बुकलेट है मैं बोल देता हूँ आज सर को कि प्लीज प्रोवाइड हिम बुकलेट, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।